धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते समझते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, यूपी वाले के वापिस जाने का समय हो गया है, लेकिन कुछ नई चीजें और निकल के सामने आई हैं। शायद हम देखने में देरी कर गए, या कह लो भी समय के साथ लेट से आई, पर क्या है कि यूपी वाला कैमरे से जा रहा है, वास्तव में तो नहीं जाता है, तो वास्तव में तो बीच में ही होता है। तो कई चीजें हमने पिछले लाइव में डिस्कस की थी, कई चीजें अभी नई घटनाक्रम हुआ है और उसमें निकल के सामने आई है। तो अलग अलग चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे ब्रीफ में। एक तो ये कि दिसंबर जो महीना होता है, इसमें परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने चोला बदला था। ये महीना जो परम पिता जी से प्रेम करते हैं, क्योंकि जो शरीर भी एक गुरु का शरीर होता है और शरीर से भी एक तरह का मोह होता है, लगाव होता है, और एक गुरु की छवि होती है, जो इसलिए शरीर से भी लगाव होता ही है। तो जो परम पिताजी के जिन्होंने दर्शन किए हैं, जिन्होंने उनको देखा है, उनका प्रेम पाया है, तो उनका एक अलग तरह का लगाव है परम पिताजी से। तो इस महीने में मतलब सेलिब्रेशन किसी तरह का, खास तौर पे 15 दिसंबर तक किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं किया जाता, और ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जाती जो सेलिब्रेशन के तौर पे लगे। अब इस महीने को एक भंडारे के मतलब एक नया नाम दे दिया यूपी वाले ने, कोई भी भंडारा महा है, कौन सा महा बनाया जाएगा, कुछ ऐसा कुछ बताया है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया अलग-अलग लोगों की आई इस मसले पे, क्योंकि ज्यादातर जो साध संगत है वो परम पिताजी के दर्शन उन्होंने नहीं किए हैं, वो नहीं उतना करीब से जानती है, या उनका उतना प्रेम परम पिताजी की छवि से नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें जो जानने की जरूरत है कि क्या हुआ और अब क्या हुआ है। परम पिताजी के याद में आई कैंप लगाया जाता है 1992 से, 1992 से लगाया जाता है, और करीब करीब लगातार कितने साल हो गए, 30वां आ जाएगा, ये 30 साल हो जाएंगे लगभग। तो ये कैंप लगता है, इसमें ये माना जाता है कि परम पिताजी के ने चोला बदला था, क्योंकि आई कैंप की तैयारियां शुरू तो बहुत पहले से हो जाती हैं। अब तो आई कैंप दिखावे के तौर पे लगता है, लेकिन पहले ये आई कैंप बहुत बड़े स्केल पे लगता था, जिसमें हजारों सेवादारों की जरूरत पड़ती थी, और बहुत सारे लोग इसको एक यज्ञ के तौर पर समझते थे, क्योंकि आई कैंप सिर्फ आई कैंप नहीं था, इसमें बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई थी। अब उस तरीके से हम इसको समझे कि ये जो महीना था वो सेवा के हिसाब से भी सेवा करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो लगभग 1 दिसंबर से ही मान लीजिए भी जो सेवादार थे, कोई बिस्तर लेके आता था, कोई मंजे लेके आता था, कोई दूध का इंतजाम करता था मरीजों के लिए, अलग अलग गाड़ियों का इंतजाम, लोग अपनी गाड़ियां सेवा में छोड़ जाते थे मरीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए, सेवा करते थे, बुजुर्गों की सेवा करते जो लोग आते थे, ये तमाम चीजें चलती थी। और ये कैंप सिर्फ इतना सिंपल नहीं था, इस कैंप में बहुत सारी चीजें और भी थी, जैसे उदाहरण के तौर पे कि किसी के माँ बाप नहीं है, या फिर कोई बच्चे जो है वो पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे क्योंकि आंखों के इलाज के लिए ज्यादातर बुजुर्ग लोग आते थे, और गरीब होते थे और बुजुर्ग होते थे, और दूसरा के हेल्पलेस होते थे, ऐसे लोगों को ज्यादातर इस कैंप में लाया जाता था। तो जो आम जैसे शहरी ले लो, या फिर सभ्य, या फिर संपन्न घरों के बच्चे होते थे या परिवार होते थे, वो अपने बच्चों को, खास तौर पे यंग जो बच्चे होते थे 20 साल तक के, या जो भी मतलब यंगस्टर्स होते थे, उनको स्पेशल इस कैंप में सेवा के लिए भेजते थे कि भी आप इस कैंप में जाओ, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं और जरूरत में हैं, तो आप अपना उनसे आशीर्वाद लेके आओ उनकी सेवा करके। और इससे क्या है कि वो अपने बच्चों को बुजुर्गों की सेवा करना भी सिखा रहे हैं, बुजुर्ग कैसे पेश आते हैं वो भी सिखा रहे हैं, और मतलब
आशीर्वाद भी उनका चाहिए भी, आगे तरक्की करे भी, बुजुर्ग आशीर्वाद दे जाते हैं। तो इस तरह से मतलब ये सिर्फ सेवा ना होके बहुत सारे लोगों की अपनी मन्नतें भी होती थी एक तरह से, कि जो बुजुर्गों की सेवा करके वो पूरी करना चाहते थे इस दौर में, ये आई कैंप के दौर में। तो ऐसे बहुत से बड़े घरों के लोग भी थे जो मतलब करोड़पति घरों के, या बड़े बड़े पौधे पे जो लोग बैठे होते थे, वो भी मतलब अपनी पहचान छिपा के। मेरे को याद है एक लेडी आया करती इस कैंप में, मेरा सौभाग्य भी एक बार मैं इस कैंप का प्रबंधक रहा हूँ 2014 में, और एक लेडी आया करती, एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है वो इंडिया में, और लेकिन उसका आई मतलब आंखों के डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं था, पर वो स्पेशल इस कैंप के लिए छुट्टी लेके आती थी, और कोई उसकी रिसर्च या उसका लेवल नहीं जानता था ये कितनी बड़ी साइंटिस्ट है। मुझे भी वो लेवल नहीं पता था, मुझे भी तब पता चला जब मैंने खुद जाके उनकी उनके लैब्स देखे भी किस लेवल की रिसर्च वो करते हैं। तो वो स्पेशल आया करते और चुपचाप में कॉर्नर में बैठ के उन्होंने अपना सारा मरीजों का काम करना, और किसी को नहीं बताना भी वो कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। तीनों उन्होंने अपना सेवा में लंगर खाना, ये नहीं है कि वीआईपी कोई खाना खाना है, और अभी उनसे पूछते जी कि ये मेरे लिए मतलब एक, मैंने स्पेशल अपनी छुट्टियां इस कैंप के लिए हम बचा के रखती हूँ मैं, मतलब ऐसे मतलब कई लोग होते थे जो मध्य प्रदेश से आते थे स्पेशल इस कैंप में सेवा करने। एक और लेडी थी, बिजनेस वूमेन थी और काफी पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल कनेक्टेड थी वो लेडी, वो भी स्पेशल इस कैंप में आती, और किसी को नहीं पता था कि कितनी हाई प्रोफाइल लेडी है वो, और वो भी इस कैंप में आती और सेवा करने के लिए भी नहीं, मुझे सिर्फ बुजुर्गों की सेवा करनी है, और स्पेशल मेरी पूरे साल के अंदर ये सेवा मेरे को मैंने फिक्स कर रखी है अपनी जिंदगी में, मैंने करनी करनी है। ऐसे मतलब ये कैंप बड़ा इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए अलग अलग मायनों में। अब क्या है कि 10 तारीख को अभी कार्यक्रम हुआ यूपी में बरनावा से जो चलता है कार्यक्रम, तो उसमें किसी ने सवाल पूछ लिया, उसमें क्या है कि जी सेलिब्रेशन हो रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, तो किसी ने सवाल पूछ लिया जी हम इस दौर में मतलब इस इन दिनों में हम परम पिता जी को याद करते हैं, उनके शिक्षाओं को उनकी छवि को हम याद करते हैं, हमारा उनसे प्रेम रहा है तो उनसे बिछुड़ने का दुख हमें याद आता है, तो ऐसे दौर में भी आप लड्डू बांट रहे हैं, अभी क्या मतलब है, अभी लड्डू बांटना सही नहीं है, लड्डू एक तरह से सेलिब्रेशन का प्रतीक माना गया है अपने उसमें, भी हम कोई खुशी थोड़ी मना रहे हैं इस चीज की। तो ये सवाल उठा, चलो इस सवाल का यहाँ पे यूपी वाले ने क्या जवाब दिया, उससे पहले हजूर पिताजी को के मतलब संदर्भ में बताएं, दो घटनाएं ऐसी हैं जो इसी दौर में कुछ अलग तरह की हैं। सन 2002 में 2 या 3 दिसंबर के आसपास आमरण अनशन शुरू हुआ था हजूर पिताजी के पक्ष में, और 9 या 10 तारीख को वो अनशन खत्म हुआ था। जब वो अनशन खत्म हुआ तो 10 तारीख थी, शायद 11 तारीख थी, तो हजूर पिताजी मतलब खुश थी साध संगत की अनशन में, मतलब एक तरह से सरकार उस टाइम तो मांगे मानने को तैयार हो गई थी। अब हजूर पिताजी स्टेज पे विराजमान थे और वचन फरमा रहे थे भी वैसे तो इस दिनों में हम कोई खुशी नहीं मनाते और परम पिताजी को याद करते हैं, ये सब चीजें हजूर पिताजी बता रहे थे स्टेज से, लेकिन साध संगत ने जो सेवा की है तो वो सेवा मतलब जो भी अपना समर्पण दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है आमरण अनशन में, जो मुखे बैठे हैं 6-7 दिन लोग मुखे लगातार, और उसको लेके भी पिताजी कहते हैं भी हम तो इन सेवादारों को खुशियां दे रहे हैं, देनी है सतगुरु के हुक्म से भी, ये कोई हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि इन सेवादारों की सेवा है और भी उन वो खुशियां इनको दे रहे हैं इसलिए ये चीज कर रहे हैं। तो उस समय भी हजूर पिताजी ने जो सेवादार अनशन पे बैठे थे उनको लंगर अपने हाथ से खिलाया था, लेकिन वहां भी कोई लड्डू वगैरह या इस तरह का सेलिब्रेशन नहीं किया था कभी उस दिन उस समय भी, बस ये साध संगत में स्पष्ट किया था भी ये तो चलो सेवादारों ने सेवा की है तो सेवादारों के बदले उनको वचन कर रहे हैं खुशियां मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये कोई ना समझे भी हम परम पिताजी को भुला दिया है या परम पिताजी के इन दिनों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर एक बार ये सवाल उठा कि 11 दिसंबर की रात को हजूर पिताजी ने रूबरू नाइट रखी थी, और ये शायद 2015
12 की थी या 13 की थी, रोबरो नाइट 2012 में थी शायद, या 13 में, तो 11 दिसंबर की रात को ये रूबरू नाइट सुबह 5:30 बजे खत्म हुई थी। इस रूबरू नाइट में भी ये किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन हजूर पिताजी ने अपनी तरफ से ही ये सवाल उठा दिया था, और मैं उस रूबरू नाइट में मौजूद भी था। उसमें ये सवाल उठ गया भी क्या ये सेलिब्रेशन हो रहा है रात को और इन इन दिनों में। तब हजूर पिताजी ने वचन फरमाए भी रूबरू नाइट कोई सेलिब्रेशन नहीं है, रूबरू नाइट राम नाम का प्रचार है उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो आज के दौर में सत्संग सुनना पसंद नहीं करते, सत्संग में बैठना पसंद नहीं करते, और उनको संगीत के जरिए मतलब एक तरह से ज्ञान परोसा जाता है, और एक शुगर कोटेड, जिसे पिताजी कहते थे शुगर कोटेड कुनैन है, इस तरह से ज्ञान परोसा जाता है। और ये कोई मतलब खुशी सेलिब्रेट करना नहीं है, हाँ लोग उस भजन में खुशी महसूस करते हैं, वो नाचते हैं, वो संगत के ऊपर है, क्योंकि वो तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम ये कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं इस दिन को, भी कहीं कोई इस चीज को समझे। दूसरा क्या, अभी सिंगर है, सिंगर मान लो एक आर्टिस्ट है, या सिंगर के तौर पे भी ले, वो कहीं भी परफॉर्म करता है किसी भी शो के अंदर, तो वो सेलिब्रेशन नहीं कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, कुछ सुनाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, अलग अलग जिसका जो मोटिव है। तो हजूर पिताजी का मोटिव था, अभी हम साध संगत को भी राम नाम की बात गायकी के थ्रू या गानों के थ्रू समझाई जाए, और उसमें भी पिताजी बात ही करते थे, कोई खुशी तो स्पेशल नहीं मनाते थे। तो उस रात जब पिताजी ने 5:30 बजे सुबह, 12 तारीख की सुबह 5:30 बजे रूबरू नाइट खत्म हुई, और खत्म होने के बाद ये क्योंकि आई कैंप शुरू होना था 12 तारीख को, और खत्म हुई, और खत्म होने के बाद पिताजी ने वचन फरमाया कि भी सुबह 9 बजे, मतलब हमारे जैसों की ड्यूटी कैंप में होती थी, तो हमें ये बोला गया भी सुबह 9 बजे कैंप का मुहूर्त होगा, भी सबने पहुंच जाना है टाइम से। अब क्योंकि 5:30 बजे तो पिताजी स्टेज से उठे थे, तो संगत को निकलते निकलते या हमारे जैसों को लोकल घर पहुंचते पहुंचते 6:30 हो गए, नहा धो के तैयार होंगे तो भी आधा पौना घंटा नाश्ता करेंगे, तो 7:30 कह लो भी बज गए, और हम 8 बजे के करीब वहां पहुंच गए तैयारियां करने। तो मैं जब 8 बजे वहां पहुंचा तो कोई वहां सेवादार मौजूद नहीं था, ना डेकोरेशन वाला, ना कोई मतलब जो थोड़ा डेकोरेट करते हैं पिताजी का, कारपेट वगैरह बिछाते हैं, क्योंकि इस दिन जब कैंप का इनोग्रेशन होता है तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर से आते हैं, तो वहां पे कोई मौजूद नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हम लगभग 8:30 बज गए वेट करते करते, कोई सेवादार आया नहीं, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं थी चीजें। तो फिर जैसे तैसे करके आसपास के लड़कों को इकट्ठा किया, जो सामान पड़ा था उसको थोड़ा थोड़ा बांधना शुरू किया, और ठीक 9 बजे, हालांकि कोई भी सेवादार जो कैंप से रिलेटेड थे वो नहीं पहुंचे थे, इवन डेरे के फोटोग्राफर कैमरामैन भी वहां नहीं पहुंचे थे, तैयारी जो पिताजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कुछ तैयारी नहीं थी, तो भी पिताजी 9 बजे एग्जैक्ट वहां आ गए। और जब आए तो लगा लो भी जो रिबन पिताजी जोड़ते हैं वो जैसे तैसे बांधा ही था अभी, और बाकी जितना भी टेंट वगैरह या चुन्नियाँ जो भी लगाते थे जैसे बाहर टेंट के ऊपर, वो सारी बिखरी हुई थी, वो उठा के कॉर्नर में डाल के ऊपर कपड़ा डाल दिया। तो मतलब गिनती के 2-3 लोग होंगे जिसके सामने पिताजी उस कैंप का उद्घाटन करके चले गए। और आपको यकीन ना हो तो 2013 जनवरी की जब आप मैगजीन उठाएंगे तो उसमें आई कैंप का ब्यौरा आएगा, तो उसमें आपको मुहूर्त करते हुए पिताजी उस तस्वीर नहीं होगी सच्ची शिक्षा की, और ना ही सच कहूं में होगी। तो ये था भी पिताजी ने, ऐसा नहीं है अभी अगर रात को रूबरू नाइट 5:30 बजे सुबह खत्म की तो इस कैंप को लेट कर दिया या उसका महत्व नहीं समझा, ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जब ये सवाल यूपी वाले के सामने उठा कि भाई आप लड्डू बांट रहे हो इसमें, तो उसने जो जवाब दिया वो ये दिया कि भाई परम पिता जी कोई गए थोड़ी हैं, वो तो मेरे बीच में घुस गए हैं, वो तो मेरे रूप में दोबारा सामने आ गए हैं, तो भी आप उनको जाने का दुख थोड़े मनाते रहेंगे, वो तो भी आप तो खुशी मनाओ, भी आपको तो खुशियां दे रहे हैं, भी मेरे रूप में खुशियां दे रहे हैं, परम पिता जी कौन सा हमारे से दूर हुए। मतलब ये एक ऐसा जवाब है जो बड़ा अजीब है, कि जो लोग परम पिताजी से जुड़े हैं या परम पिताजी के महत्व को समझते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रेम तो परम पिताजी से हजूर पिताजी ही करते थे, और अगर हजूर पिताजी ही अगर अगर कथित तौर पे कहें जो बरनावा में है, अगर वही इस तरह का कहे भी उसको दुख नहीं है इस चीज का, तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, बाकी समझने वाले समझ सकते हैं। लेकिन और उसके अलावा चलो आपको कोई और जानकारी इसमें भी चाहिए तो ये बता दें भी परम पिताजी ने शायद 12 या 13 तारीख में
चोला बदला था। और उसके बाद 15 तारीख तक 3 दिन उनकी जो पार्थिव शरीर था उनका, उनके दर्शन करवाए गए थे सात संगत को 3 दिन तक। 15 तारीख में 13वां श्यामस्थाना जी धाम में ही उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। ये एक घटना है, इस घटना से एक किस्सा भी जुड़ा है, वो शायद आपको बता दें। भी एक बार क्या हुआ जी, 13वां जो श्यामस्थाना जी धाम का है उसका जो बाहर का प्रांगण है, मतलब छोटा सा एरिया है बाहर 200-300 गज का, उस एरिया में जहाँ सेवादार बैठते थे, थोड़े से सेवादार ही आते हैं, बाकी अंदर साइड में कमरा है। तो वो एरिया जो था वो कच्चा था, मतलब एरिया मिट्टी थी, वहां पे पेड़ लगा हुआ था तो कच्चा था वो एरिया। और परम पिताजी की मर्जी के बगैर वो एरिया पक्का सीमेंटेड कर दिया गया। और जो किसी ने बताया सीमेंटेड कर दिया गया, तो परम पिताजी इस बात पे बहुत नाराज हुए और बहुत गुस्सा हुए। मतलब किसी ने इतना गुस्से में नहीं देखा था जो काफी लोगों ने उस तरह में, परम पिताजी यार इतनी सी बात पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं कि ये फर्श मतलब पक्का क्यों कर दिया। और उसका कारण समझ में आया जब 15 दिसंबर 1991 के दिन, कि जब परम पिताजी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करना था, तब वो फर्श सीमेंटेड था, पक्का था, लेकिन जब वहां पे अंतिम संस्कार किया गया तो वो फर्श खराब हो गया, क्रैक्स आ गए। और मतलब एक तरह से खराब भी हुआ, क्रैक्स भी आए। और ये माना गया भी अगर उस समय भी फर्श अगर कच्चा होता तो बाकी जो भी था वो 13वां में ही वहीं दबा दिया जाता, जो भी उनके शरीर के अवशेष थे वहां पे, और फूल कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं भी। लेकिन वो पक्का होने की वजह से वो बहुत दिक्कत आई इस चीज में, समेटने में चीजों को। तो ये चीजें मतलब हुई उस समय में। तो खैर हम वापस अपने टॉपिक पे आए। अब यूपी वाला जो सिलसिला है फिलहाल, इस बार की जो ये कथित तौर पे फर्लो है, ये खत्म होने को है। हमने पिछले लाइव में जिक्र किया था इसका, भी हमें डाउट हुआ जो भंडारे वाला वीडियो इन्होंने जारी किया है डेरा के ऑफिशियल पेज से, उसमें जो एक सेंटेंस बोला, भी हमें डाउट हुआ भी जो शासत नाम जी बॉयज स्कूल का प्रिंसिपल राकेश धवन है, भी शायद भी ये व्यक्ति हो सकता है। और हालांकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कारण थे शक ना करने के, बहुत सारे पहलू, कहते ना भी चोर की दाढ़ी में तिनका कह लो, चोर की दाढ़ी में झाड़ू कह लो, जो भी कह लो। तो ऐसा कुछ घटनाक्रम उस लाइव सेशन के बाद हुआ, जो पिछला हमने लाइव सेशन किया उसके बाद, कि कुछ चीजें और उल्टा उलझ गई। एक किसी ने हमारे पोस्ट पे कमेंट किया, हाँ मैं तो नहीं पता था, उसने कमेंट किया भी ऐसे ऐसे राकेश धवन के बारे में। उसका दोबारा हमारे पास कॉल आया लड़के का, उसने बोला जी ऐसा जी, मैं तो आपके पोस्ट पे कमेंट करके मुसीबत मोल ले ली। बोला कैसे? बोला जी मुझे ये जानकारी दी गई है कि यूपी वाले ने, जो भी यूपी में है बरनावा से, भी शासत नाम जी बॉयज स्कूल में एक ऑनलाइन मीटिंग रखी गई अगले दिन, और उस ऑनलाइन मीटिंग में बरनावा यूपी वाले जो, जिसको हम नकली बोलते हैं, भी उसने पूछा स्कूल वालों से कि भाई तुम्हारा प्रिंसिपल कहाँ है। और स्कूल वालों ने बताया जी उनकी जो वाइफ हैं वो कुछ बीमार चल रही हैं, और इसलिए वो हिसार में है, इलाज करवा रहे हैं उनका। अब उसके बाद ये जानकारी जब मिली तो हमने आज जितने मेरे जानकार थे मैंने उनसे भी पड़ताल की, तो बोले जी ऐसी हमारी जानकारी में तो नहीं है, जो राकेश धवन जी को जानते थे, कि भाई क्या राकेश धवन जी की वाइफ किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं या कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं जिनका हिसार में इलाज चल रहा है। तो बोले जी हमारी जानकारी के हिसाब से तो ये जानकारी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब हमारी पड़ताल में जानकारी गलत पाई गई। अब यूपी वाले का अगले ही दिन ये बात स्कूल में पूछना और इस तरह की क्लैरिफिकेशन देना, लेकिन जो स्कूल के बाकी टीचर्स से, कईयों से बात हुई, जो स्टाफ मेंबर कह लो, उनका ये कहना था भी उन्हें यही जानकारी थी भी जो राकेश धवन है वो बरनावा गया हुआ है। फिर बरनावा में कुछ बच्चों ने परफॉर्म किया है वहां पे, एक 27 नवंबर के दिन, उनको ये जानकारी थी भी प्रिंसिपल स्कूल में ही है। दोनों मतलब कंफ्यूज थे। तो
शायद ये क्लैरिफिकेशन इसलिए दिया गया भी राकेश धवन वहां है लेकिन नहीं भी है, और क्या हमारा शक वाजिब है। तो ये एक चोर की दाढ़ी में तिनका समझा जा सकता है, पर कितना है वो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाएं। इसके अलावा उस लड़के ने कमेंट किया था जिसने, उसने मुझे बताया कि जी मेरे ऊपर तो बड़ा दबाव बनाना शुरू कर दिया अचानक से भी, आप तो गलत जा रहे हो, ये है वो है ऐसे है वैसे वगैरह वगैरह। तो अब खैर ये सिचुएशन कैसी है भी, हमारे एक पोस्ट पे कोई व्यक्ति की लाइफ में कमेंट कर जाता है और उसके बाद उसके पीछे एक प्रॉपर पूरा सिस्टम लग जाता है उसको ये यकीन दिलाने के लिए भी ये चीज गलत है अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले। अब इसको क्या समझा जाए, और राकेश धवन को लेकर जो क्लैरिफिकेशन आने लगा वो चीज बड़ी अजीब है। इसके साथ कुछ चीजें और हैं जो हम आपको कई जगह से जुड़ रही हैं और अलग अलग टाइम पे हमारे पास ये सूचना आई भी, लेकिन हमने उसको सीरियसली लिया नहीं, और अब हम उसको इंटरकनेक्ट अगर करें सारी चीजों को, तो हमारे पास शुरुआत से ये सूचना थी भी 15-16 जो साधु बहने हैं, सतत ब्रह्मचारी बहने हैं, उन्होंने बरनावा के 13 वास में दो दो बैरूपिये एक साथ देख लिए, मतलब दो व्यक्ति जो हजूर पिताजी जैसे दिखते हैं वो एक साथ देख लिए, तो उनको वो टेंशन में आ गए। और जब टेंशन में आ गए तो यार ये कैसे हो सकता है, तो फिर उनको ये जवाब दिया गया एडम ब्लॉक की तरफ से कि एक ओरिजिनल है और एक डुप्लीकेट है, और ये सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से बॉडी डबल तैयार किया हुआ है एक तरह से। लेकिन उन्होंने बोला भी फिर जो स्टेज पे जाता है वो कौन है, तो बोला जी स्टेज पे डुप्लीकेट जाता है ओरिजिनल नहीं जाता है। उन्होंने ये बात बड़े माताजी के सामने रखी, तो बड़े माताजी का अभी जो रिस्पॉन्स था वो इस तरह से था, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन एडम ब्लॉक की तरफ से ये सफाई कई लोगों को दी गई भी जो ओरिजिनल पिताजी हैं वो 13 वास में ही रहते हैं, वो मजलिस सत्संग नहीं करते हैं, और माताजी को उनसे मिलवाया जाता है, लेकिन जो स्टेज पे सत्संग करता है उससे नहीं मिलवाया जाता, वो नकली है। ये चीजें बताई गई, इसका हालांकि कोई प्रूफ नहीं है। हमने इन चीजों को उस टाइम आपके सामने रखा भी था, अभी कुछ लोगों ने डबल देखा, और एक जिसने देखा था उसने हम उनमें उनमें से एक लड़की ने हमें भी जानकारी दी एक बार ने कि ये कंफर्म्ड है भी वहां हमने दो देखे हैं। तो ये सूचना आई। दूसरी सूचना ये आई भी जी ऐसा है भी पिताजी को सुनारिया से लाया तो जाता है, लेकिन उनको वही बरनावा में किसी कमरे में बंद कर दिया जाता है, और फिर उनकी जगह नकली वाले को स्टेज पर लाया जाता है, और फिर पिताजी को टाइम खत्म होने के बाद वापस जेल में छोड़ दिया जाता है। हमें लगता था भी ये चीज इतनी पॉसिबल नहीं है, और इतने भी पिताजी कमजोर नहीं है भी इस तरह से एडम ब्लॉक इतना सब कुछ करेगा और वो पता नहीं चलेगा, और ऐसे ही पिताजी उनके हिसाब से बार बार आते जाएंगे बार बार जाते जाएंगे भी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर्स पे साइन तो पिताजी ने करने हैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ये सूचना भी आई। तीसरा क्या है भी, एक आम इंसान का स्वभाव, हम खुले तौर पे ये प्रचार करते हैं, और एडम ब्लॉक के कुछ तरफ से लोग जो थोड़े आपराधिक किस्म के हैं धमकियां भी देते हैं अपने तरीके से अलग अलग चीजें, पर फिर भी 25 अगस्त के बाद अगर हम राकेश धवन को पर्सनली जितना जानता हूं मैं, और सतपाल पांडे को भी जितना जानता हूं, या डेरे की मैनेजमेंट को जितना जानता हूं, एक बार क्या हुआ था भी एक लड़के की इन्होंने मारने की कोशिश की थी एक लड़के को, और उसकी गाड़ी पलटा दी थी, प्रदीप गोयल था वही उदयपुर वाला, तो उस समय मैं उसको लेके थाने चला गया, अभी चल तेरी कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। और उस समय राकेश जड़वा और डेरे का एक सिक्योरिटी इंचार्ज था प्रीतम शायद, ये दोनों डेरे से फरार हो गए थे, ऐसे ही जैसे अब माशा फरार हुआ हुआ है। तो तब अगर मैं इनको पूरे को उनको सबका इनका व्यवहार समझूं जितना मैं पर्सनली जानता हूं, तो ये बहुत डरपोक किस्म के लोग हैं बहुत ज्यादा, और ऐसे में जब इनको पता है भी ये कितना बड़ा अपराध है ये सब काम करना, तो फिर ये सब कुछ जानते हुए भी राकेश धवन जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड खराब नहीं है, कोई ऐसा कोई इलीगल डेरे का कोई ऐसा धोखा नहीं जिन्होंने कभी दिया डेरे को, डेरे से कभी मतलब ऐसा कोई बेतुका पैसा नहीं लूटा, ऐसा कोई रिकॉर्ड मतलब राकेश धवन का नहीं बोलता है, सतपाल पांडे का चलो बोलता है लेकिन राकेश धवन का नहीं बोलता। क्या ये इतने निडर हैं जो इतना बड़ा क्राइम इतनी सफाई से करेंगे और पता नहीं चलेगा भी, इनको पता ही नहीं है भी ये क्राइम कितना बड़ा है, और उसके बावजूद ये क्राइम करने को मान जाएंगे।
क्या ये ऐसी स्थिति में हैं ये लोग? और ये एक सवाल जो था, जो मन में था, उसके बाद हमने जितने हमारे रिसोर्सेस बर्नावा में रहते हैं, और कुछ हमने जैसे, क्योंकि क्या है कि हर चीज की खबर सीआईडी भी रखती है, पुलिस भी रखती है, जिसका जैसे पंजाब स्टेट इम्पैक्ट होता है, हरियाणा स्टेट इम्पैक्ट होता है, और दिल्ली स्टेट इम्पैक्ट होता है डेरा की जो मूवमेंट से, और राजस्थान में इम्पैक्ट होता है। तो जितनी हमारी जानकारी है, अभी ये चारों स्टेट की जो पुलिस है वो अपना अपना इन्फॉर्मर अपने अपने तरीके से सारे सिस्टम में प्लांट रखते हैं। अगर वो नहीं प्लांट कर पाते तो किसी ना किसी से पैसे दे के इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, जो इंटेलिजेंस का उनकी ड्यूटी भी है। अगर प्लांट कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो वैसे ही निकलवा लेंगे इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे मतलब हर किसी का कोई ना कोई रिसोर्स होता है। हमने भी अपने रिसोर्सेज लगाए जितने हमारे पास थे, तो हमें ये जानकारी मिली भी राकेश धवन की, अक्सर बरनावा मूवमेंट यूपी वाले के आने के टाइम होती है। फिर हमें ये पूछा गया भी क्या इस पैरोल के या फरलो के दौरान भी राकेश धवन वहां पे मौजूद था, तो उन्होंने कहा भी हाँ वो यहाँ पे आया हुआ है, और भजन भी वो लगाता है, और उसका बड़ा भाई भी है वो भी शायद आया हुआ है, और वो भी भजन लगाता है, भजन भी लगाते हैं ये, तो ये मौजूद है यहाँ पे, आए हुए हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया अभी, जो राकेश धवन की हिसार वाली स्टोरी है वो झूठी है, और वो स्टोरी क्यों प्लांट करनी पड़ रही है ये तो वही बताएंगे, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते भी, हम ये कंफर्म नहीं करते भी, ये कोई भी चीज सच्ची हो सकती है। जो चीज जानकारी है फिजिकली, ना तो मैं बरनावा गया हूँ, ना ही मैं हिसार गया हूँ, ना ही मैं बॉय स्कूल में चेक करने गया हूँ, सूचना है कोई क्या किस रूप में प्लांट कर रहा है या दे रहा है पता नहीं है। अब जो बरनावा से खबर निकल के आई, वहां से ये खबर निकल के आई भी, जो भी एजेंसीज मॉनिटर करती हैं, देखो एजेंसीज का काम होता है मॉनिटर करना, एक्शन लेना तब होता है जब ऊपर से सरकार का ऑर्डर हो, तो जो एजेंसीज के लोग भी मॉनिटर करते हैं उनके हिसाब से भी बंदा ही एक तो है नहीं, है तो कई, लेकिन एक, क्योंकि तेरावास के अंदर तो हर एक एजेंसी की एक्सेस नहीं है, कदे भी हमारी जो कैलकुलेशन कहती है भी इन सबका एक माई बाप है जो सबसे बड़ा जूपी वाला है, ये एक बंदा नहीं है, ये अलग अलग बंदे हैं, और इन सबका जो माई बाप है वो एक सबसे बड़ा यूपी वाला कैसो है, और इनके अनुसार जो कहें जो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे भी, इनके अनुसार वो असली है, मतलब वो बंदा जो तेरावास में परमानेंट बैठा है और स्टेज पे नहीं आता, जो इनको तैयार करके भेज रहा है भी, वो असली है, और वो एक तरह से इनको ऑर्डर कर रहा है भी, हुक्म दे रहा है भी तुमने ये काम करना है स्टेज पे जाके, और पकड़े नहीं जाना है, अगर पकड़े गए तो फिर गड़बड़ है, मतलब एक तरह से ये माहौल भी सस्पेक्टेड है भी, जो ये परफॉर्म कर रहे हैं इनको भी ये यकीन दिलाया गया है भी तुम हजूर पिताजी के हुक्म में ये काम कर रहे हो, और ये टॉप सीक्रेट रखना है अपनी तरफ से, ये चीज भी एक सस्पेक्ट है इस पूरी स्टोरी का, कितना सच निकलेगा पता नहीं, लेकिन जो ये अलग अलग कहानियां थी भी, दो बंदों का एक साथ वहां होना, माता जी को जी असली वाले से मिलाया जाता है और नकली वाले को स्टेज पे लाया जाता है, और भी एक असली वाले को कैद कर लिया जाता है, नकली वाले का परफॉर्म कराया जाता है, मतलब ये सारी जो कहानी है वो सारी एक जगह आके अगर इस थ्योरी पे जाए कि ये थ्योरी ऐसी है, अभी एक बंदा ऐसा है जो इन सबको सबके लिए असली एक्चुअल में है, और वो असली एक तरह से इन सबको ये कह रहा है भी तुम्हें ये परफॉर्म करना है, ये ड्यूटी देनी है, और उसके लिए ये सारा जो तंत्र विद्या का तामझाम जो भी है बैकएंड पे चल रहा है, ये सब कुछ है। हालांकि ये थ्योरी कितनी सही निकलेगी ये हम नहीं कह सकते, और अभी भी हम इसकी उतनी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अलग अलग जानकारियों को कंबाइंड करके एक थ्योरी जनरेट की गई है भी, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। अब क्या वास्तव में अगर ऐसा हो तो क्या वास्तव में हजूर पिताजी ही ये ऑर्डर दे रहे हैं? आप इसको इस नजरिए से भी समझे, अगर ये थ्योरी सच्ची भी निकले तो इसका मतलब क्या एडम ब्लॉक इस सारे आपराधिक काम का ठीकरा भी हजूर पिताजी के सिर ही फोड़ देना चाहता है, भी उन्होंने ये सब कुछ करवाया? गौर से समझिएगा, अभी हम पहले ये सोच रहे थे कि हजूर पिताजी इनके पास कस्टडी में नहीं है, और ये कर रहे हैं, और एक स्टेज पे आके ये बोलेंगे भी हजूर पिताजी भी है ही नहीं जी, या भी उनकी मौत की खबर ये अचानक से सुना सकते हैं, क्योंकि इनको ये यकीन है भी कभी असली व्यक्ति सामने आ ही नहीं सकता, तभी इतना बड़ा प्लान फिक्स फ्रेम होगा, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एंगल ये कैलकुलेशन में भी हो भी, क्या कल को जब इस चीज खुले तो इस सबका ठीकरा भी हजूर पिताजी के सर ही फोड़ दिया जाए?
उनके आदेश पे ही ये बंदे नकली बन के परफॉर्म कर रहे थे, और उनके वो अपने आप में जो रूहानियत में बड़े मसीहा बने हुए हैं, भी हम देखो गुरु के आदेश पे इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। क्या इस पैटर्न से भी आप समझो भी, क्या इस चीज का ठीकरा भी कल को हजूर पिताजी के सिर फोड़ा जा सकता है, और इसलिए इस सारी चीजों को इस तरह से फ्रेम किया गया भी कल को अगर सपोज करो भी वाकई में सतपाल पांडे और राकेश धवन इसके परफॉर्मर निकले, हालांकि हम नहीं कहते निकले होंगे ये, पर अगर निकले तो क्या इनके बयान इस बात की पुष्टि करेंगे भी ये सब कुछ वो हजूर पिताजी के कहने पे कर रहे थे, तो क्या इनके लिए भी एक बड़ा यूपी वाला है या असली कोई फ्रेम किया हुआ है? अब ये तो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है भी, जो लॉजिकल कह सकते हो भी, दो अलग अलग एंगल है भी, या तो असली कस्टडी में है ही नहीं, और अगर है तो उसके ऊपर भी इस चीज का ठीकरा फोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरा ये कि मतलब ये सेफ एंड पे गेम अपनी तरफ से खेल रहे हैं भी, कल को अगर होगा तो ये सब कुछ ऐसे भी कर देंगे, पर इसको फिल्मी दुनिया के हिसाब से देखें भी, क्योंकि सत्संगत क्या है अभी जो हजूर पिताजी ने फिल्में बनाई हैं उनकी स्टोरी से चीजें उठाती है, और फिक्शनल है मूवीज, लेकिन क्योंकि पिताजी ने कहा कि वो मूवीज सच्ची हैं, सच्ची घटनाओं पे आधारित है और सच्ची हैं, काफी उसमें सच दिखाया गया है, तो उस स्टोरी को भी अपने अपने तरीके से लोग जोड़ लेते हैं। तो ऑनलाइन गुरुकुल का जो मोशन पोस्टर है या पोस्टर जो भी आया था उसमें आपने एक सीन देखा होगा, वो सीन क्या है भी, जो हनीप्रीत ऐसे ऊपर से उड़ के आ रही है और नीचे से एक लड़का छलांग लगा के उड़ के जा रहा है, उस सीन को हमने पता किया है, समझने की कोशिश की है जो भी लोग इस शूटिंग में शामिल रहे भी, एक्चुअल में जो नीचे से लड़का उड़ के जा रहा है वो इस फिल्म में एक जादूगर का रोल प्ले कर रहा है, और ये जादूगर ऐसा है जो किसी भी तरह का इन्वायरमेंट जनरेट कर सकता है, किसी भी तरह का, और कोई भी चीज वो क्रिएट कर सकता है, कोई भी इन्वायरमेंट मतलब माहौल बना सकता है, और सामने वाले को मतलब एक हेलुसिनेशन क्रिएट किया जा सकता है उसके लिए, कर सकता है वो, और उसकी लड़ाई हनीप्रीत जो इसमें पॉजिटिव रोल में है, मतलब नेगेटिव रोल में नहीं है, और वो लड़का नेगेटिव रोल में है, और ये जो शॉट रखा गया है, ये जो स्क्रीन शॉट कह लिया भी इन दोनों का, अभी ये उनकी फाइट के सीन का शॉट है, इस समय उनकी लड़ाई चल रही है इसमें, और ये शॉट शायद टेनिस ग्राउंड के आसपास जो MSG खेल गांव है वहां फिल्माया गया था, ये शॉट उस मूवीज में है। मतलब अगर हम इस ऑनलाइन गुरुकुल के कॉन्सेप्ट को भी कोरिलेट करें तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सब तक एक हेलुसिनेशन कह लो या सम्मोहन क्रिया कह लो या तंत्र विद्या कह लो, या इतना मतलब सक्षम है कि वो चीजों को कन्विंसिंग पावर है उसकी जो कन्विंस कर सकता है, कोई भी इन्वायरमेंट जनरेट कर सकता है, क्योंकि साइंटिफिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब जब जिस देश की सरकार तक तांत्रिकों की इन विद्याओं पे भरोसा करती हो, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक के लोग भरोसा करते हो, और देश में राफेल विमान आए तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके टायर के नीचे नींबू फोड़ते हो, तो इसका मतलब अगर इसमें वाकई में कोई कॉन्सेप्ट है, और मेरे हिसाब से मतलब बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट कह लो, और मैं ऋषियों में नहीं मानता हूं, लेकिन मैंने कुछ हद तक ये चीजें देखी हैं भी, कुछ हद तक भी पिताजी कहते थे भी होती हैं, और ये क्या है कि पिताजी इस चीज के लिए रोकते थे भी ऐसे लोगों से कुछ लेके ना खाओ, और क्योंकि जब तक आप लेके नहीं खाओगे तब तक ये चीजें असर नहीं करेंगी, और मैं भी ऐसे लोगों के जब संपर्क में आया हूँ तो वो भी ये है कि वो सामने वाले व्यक्ति का दिमाग पढ़ भी लेते हैं और उसके दिमाग को इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच में उनके दी हुई चीज को खाना जरूरी है, कोई ना कोई चीज को उनकी दी हुई और उनके तरीके से मतलब उनके अनुसार उनके कहने पे खाना जरूरी है, तो ये सारी साइंस जो है इनकी काम करती है, और ये उत्तराखंड ऋषिकेश वगैरह में आप इनकी पहाड़ियों में जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे, या केदारनाथ की तरफ जाएंगे बद्रीनाथ की तरफ तो वहां ये तपस्या करने वाले साधना करने वाले ऐसे मिलेंगे, और अगर आप कोलकाता साइड में जाएंगे तो आपको उधर साइड में या असम साइड में जाएंगे तो वहां अघोरी जिसे कहते हैं अघोरी भी मिलेंगे, अघोरी तांत्रिक जो होते हैं, तो ऐसे हैं ये थोड़ा वो है कुछ, तो ये इन्फ्लुएंस रखने की थोड़ी ताकत रखते हैं, और आपने देखा हो जगह जगह फेसबुक के ऊपर जो मीडिया चैनल्स आते हैं उनके नीचे एड लिखी आती है तांत्रिकों की, फलाना बाबा
वशीकरण करवाएं, मनचाहा प्यार पाएं, ये बड़ी बड़ी ऐड आपको देखा होगा आपने उसमें, उस पे सोशल मीडिया की स्क्रीन्स पे चलती हैं। तो ये इसका मतलब कुछ ना कुछ ये तीर तुक्का तो है। और इसके अलावा, क्योंकि पिताजी जब ये जिक्र कर रहे हैं, अभी सैकड़ों लोग गुरु बनना चाहते हैं और सैकड़ों बन बन बैठेंगे, तो कहाँ है वो सैकड़ों? क्योंकि हम तो अगर डिवीजन देखते हैं तो डेरे का डिवीजन हुआ जगमाल वाली में श्यामस्थाना जी महाराज के बाद, और जगमाल वाली से आगे फर्दर अलग अलग लोग अपने अपनी गद्दी लगा के बैठने लग गए काफी लोग। मतलब पर एक बार डिवीजन जगमाल वाली में ही हुआ था, फैक्शन कह सकते हैं जगमाल वाली को डेरे का। उसके बाद वो डिवीजन हो गया, अलग अलग आगे वहां से बन गए, लेकिन डेरा से तो एक ही हुआ था। पर उस समय भी ये था, भी सैकड़ों गुरु बनना चाहते हैं और सैकड़ों बन बन बैठेंगे। और पिताजी ने भी कहा था भी ये रेस लगी हुई है, अभी मैं आऊं या तुम आए, और फिर बोले भी मर गए गद्दी पे आने जाने वाले, मतलब आएंगे भी और जाएंगे भी और मरेंगे भी। तो मतलब ये चीजें अगर हम वचनों के आधार पे देखते हैं, साइंटिफिकली ना जाके स्पिरिचुअली कहें, तो भी ये कुछ हद तक जुड़ती हैं, और दुनियावी तौर पे जो घटनाक्रम चल रहा है वो भी जुड़ता है। इस चीज को आप थोड़ा अपने ध्यान में रखिएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो बाकी कोई भी आपको डाउट, कोई भी जानकारी मिलती है तो आप इसके मैसेंजर पे शेयर कर दिया कीजिए, कर दीजिए। और उसके अलावा जो लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं, तो वैसे तो वीडियोस काफी इकट्ठी पड़ी हैं, क्योंकि कई बार मैंने पिछली बार भी बोला था थोड़ी जल्दबाजी ना करें, ये वीडियोस एक साथ तो पोस्ट कर देंगे फिर कोई फायदा ही नहीं है, कोई खाना पूर्ति नहीं करनी है, लोगों तक मैसेज भी पहुंचे, तो थोड़ा थोड़ा देर बाद पोस्ट करते हैं। कोशिश करें जो बंदा वीडियो बना रहा है, क्योंकि सबने कैमरा फेस नहीं किया है, मुझे खुद को 2.5 साल लगे इस कैमरे के आगे बैठने में। एक तो आराम से रिहर्सल कर ले, एक दिन लेट बना लीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाइए, भी जो बात आप कह रहे हैं वो मजबूती से कहें। दूसरा क्या है भी, आप अपने बच्चों को भी बताएं ये सारी चीजें। कई बार क्या, छोटे छोटे बच्चे, किसी भाई ने वीडियो बना के भेजा अपने 8 साल के बच्चे का, तो एक और ने किसी ने अपनी गुड़िया का वीडियो भेजा, ओके, बच्चे भी इस चीज को परख रहे हैं, बच्चों को भी मतलब अट्रैक्शन नहीं है। तो अगर बच्चे भी आपके परख रहे हैं तो आप बच्चों का भी वीडियो बना के भेज सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी बच्चा हो, ताकि लोगों को समझ आए भी बच्चे बच्चे भी परखते हैं इन चीजों को, भी ऐसा नहीं सिर्फ बड़े ही परख रहे हैं, और जो ज्यादा बड़े अंधभगत बने हैं उनको शर्म आएगी, या छोटे छोटे बच्चे परख पा रहे हैं इस चीज को। ये चीज आप कर सकते हैं, बच्चों के जरिए भी कर सकते हैं, और जो बनाए वो कॉन्फिडेंस के साथ बनाए। दूसरा ये भी, आप हजूर पिताजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उनका, उनकी तरफ से आप उनके हक में बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भी आप अपने गेटअप पे फोकस ना करें, और अपना जो ड्रेसअप है वो भी अच्छा हो, भी खाना पूर्ति नहीं है, भी आप बैठे हैं जी रजाई में घुसे हुए और खाना पूर्ति करके एक वीडियो बना रहे हैं भी सिंपल से कपड़ों में, तो ये आपका एक रिकॉर्ड है जो इतिहास के तौर पे भी रहेगा। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बनाएं, अपना गेटअप है जो अच्छा, कॉन्फिड रखें, बढ़िया पहन के कपड़े वगैरह, और तीसरा कि रिहर्सल कर लें, और अगर छोटे बच्चों को आपके बच्चे ये चीज परखते हैं तो उन बच्चों का भी वीडियो बना के आप भेज सकते हैं। तो हमारे साथ बाकी ऑनलाइन पे पंजाबी भाषा के लिए मैंने वीरपाल कौर है, तो आप उन्हें सुनिएगा। हाँ जी, हाँ जी भाई, प्यारे सतगुरु जी, प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, 9 दिसंबर 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕਲ ਜੋ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਹਮਸ਼ਕਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਕਲੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਰੂਪੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਆਜੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ VFX ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯੂਜ ਐਂਡ ਥਰੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਲੱਗਿਆ RSS ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੱਡੂ ਪੰਜੂ ਸਾਧ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ BJP ਤੇ RSS ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਬਗਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮਤੀਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤੀਰਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਏ ਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤੀਰਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮਤੀਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈੜ ਸੀ ਜੋ ਪੈਰ ਦੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਜਲਾਲਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਪੈੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪੈੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਉਹ ਸਭ ਉਲਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਗਏ
ਵੀ 50-60 ਸਾਲ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨਹੀਂ, ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟੂਗਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁੱਟ ਜੇ। ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 100% ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ MSG1 ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸਟੋਰੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ UP ਵਾਲਾ ਜੇ ਐਤਕੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਪੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੋਹਿਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਰੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਧਾਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਨ ਹਾਰਟ ਫਿਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਸੱਚੇ ਯੋਧੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਭਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, 22 ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ 22 ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 85 ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋਇਆ ਸੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ 22 ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਭਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖੋ 22 ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਭਗਤੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਭਾਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਭਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੋਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਭਾਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲੱਧ ਹੋ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਲੱਧ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਭਾਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਭਾਣੇ ਦੀ ਅਰਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਭੋਰੇ ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਭਾਣੇ ਬਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ABC, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ। ਜੇ ਉਦੋਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, 22 ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੁਛ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉੱਪਰ ਬੌਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲੂਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਆ, ਵੀ 100 ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਂ, ਤੂੰ ਆਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂ ਕਿ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਲਟੇ ਨੀ, ਪਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਰਨਗੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਉਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਪਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਵੇਂ ਸਜ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਬਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਇਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਵਾਕ ਜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਕ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ 15 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਚਰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਦਾ ਡੇਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ,
ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨੀ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਬਰਨਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬੌਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਕਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਮਰੇ ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਐ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਧਾਰਨ ਜੱਟ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਹੋਣ, ਐ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪਰਥੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਖੜਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਗਣ ਰਾਮ ਖੜਾਉਣਾ ਜਾਣੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜੀ ਕਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇ ਮਟਕਾ ਫੁੱਟੇਗਾ ਐਸਾ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਸੇ ਸੰਭਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨੀ। ਲਾਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨੀ ਜਾਣਾ। ਲਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਟਕਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੋ ਐਸਾ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪਾਓ, ਕਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ, ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 27 ਤਰੀਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਵੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੁਲਾਈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਲੱਤ ਨੀ ਮਾਰਦੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਖਰ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਸਭ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਟੀਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਆਪਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾਦ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈ
शेर मुहम्मद खां ओ मतलब बच्चा दे हक दे विच बोलिया सी जदों उसने कहा सरहंद दे नवाब ने वजीर खान ने भी तेरे भरा नूं इहने कतल कीता सी इहदे प्यो ने इहदे प्यो बच्चा दे प्यो ने भी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह नूं ने कहा भी तेरे भरा नूं कतल कीता सी ते तूं आपदा बदला लै लै भी इह बच्चे मैं तेरे हवाले करदा ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਂਗਾ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਵਸੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੰਨਤ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਵਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਨਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਆ ਉਹ ਬਹਿਰੂਪੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗੇ ਮਾਲਕ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗੇ ਮਾਲਕ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋ ਮਾਲਕ ਉਨਕੋ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਗਏ ਅੱਜ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਬੈਰੋਪੀ ਆਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਖੁਦ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ।
नंदन स्त्रोत्र या शासन जी, एक दो तीन चीजें हैं। एक तो बहुत से लोग ना कॉल करते हैं, अब मेरे साथ प्रॉब्लम यह है भी वो कई बार नाराज हो जाते हैं, अभी फोन क्यों नहीं उठाया, अभी 10 बार कॉल कर लिया। प्रॉब्लम यह है कि जो मेरे पे केस डला था उस केस का बेस यही था कि मैंने एक अनजान कॉल उठा लिया था, और कॉल जैसे फोन आया नॉर्मल, एक फोन उठा लिया, और वो फोन उस लड़के का था जिसने जिसको नशा तस्कर बनाया गया माशे की तरफ से। अब मुझे नहीं पता था भी ये फोन कॉल बेस बन जाएगा इस केस को फ्रेम करने का, इसलिए उसके बाद कितना भी दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीते हैं हम तो, छाछ छोड़ो फ्रिज से निकाला हुआ शेक आइसक्रीम भी फूक फूक के खा रहे हैं। तो वो वाला काम है, अभी बहुत सारे फोन आते हैं, हो सकता है किसी के बहुत जरूरी फोन भी होते हो करने वाले जो लोग करते हैं, और इमरजेंसी भी होती हो, तो आप कोई भी फोन करते हैं मेरे जिनका नंबर मेरे पास सॉरी मेरा नंबर जिनके पास है, तो आप कोशिश करें भी SMS डाल दिया करो पहले भी हमें इस सिलसिले में बात करनी है, या व्हाट्सएप है आजकल तो व्हाट्सएप पे सबके पास ही होता है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाला जा सकता है। अगर फिर भी लगे भी आपको भी व्हाट्सएप नहीं कॉन्टेक्ट हो रहा, या मैसेज या मेरा नंबर ही नहीं है, तो आप इस फेसबुक पेज के इनबॉक्स मैसेंजर में मैसेज डाल दो भी आपको बात क्या करनी है। सिर्फ ऐसे नहीं भी आप मुझे इस नंबर पे फोन कर लो, ऐसे तो मेरे पास कॉल खत्म ही नहीं होंगे। तो कोई इमरजेंसी आपको लगता है भी आपको कुछ बताना है या कुछ भी है, तो आप इस फेसबुक के मैसेंजर पर डाल दो, नंबर है तो व्हाट्सएप कर दो। अगर आप बार बार कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल अगर अननोन है, मेरे पास नंबर सेव नहीं होगा, तो मैं वो नंबर उठाता नहीं हूँ, और मुझे किसी के कॉल रिकॉर्ड करने की आदत नहीं है, तो इसलिए मैं कॉल रिकॉर्ड भी नहीं करता हूँ। और यही वजह रही भी उस लड़के के चक्कर में, जब उसने कॉल किया वो कॉल रिकॉर्ड मेरे फोन में हुआ नहीं था, और जिसके कारण मैं ये सफाई नहीं दे पाया अभी इसने बात क्या की। लेकिन क्या है, क्योंकि हमें भरोसा रहता है बातचीत का, तो इसलिए अंदरून मतलब अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं भी हम ऐसे किसी की कॉल रिकॉर्ड्स ना रखें, पर कहीं जरूरत होती है जब वो कर भी लेते हैं, ऑप्शन होता है मोबाइल में बटन दबाओ, जहां लगता है कि आदमी डाउटफुल है वहां बटन दबा के रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो खैर ये हो, दूसरा जो वीडियोस बना के भेज रहे हैं खासतौर पे बहने, तो जो ज्यादा कम उम्र की बहने होंगी यंग होगी, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा भी डेरे की मर्यादा को आप अपने उसमें खास तौर पे पहनावे में ध्यान रखिए। हालांकि ऐसा कोई वीडियो मेरे पास आया नहीं जो आपत्तिजनक हो, लेकिन आगे अगर जो बनाएंगे भी पहनावा आपका बढ़िया हो, कोशिश करें भी आपके सर पे दुपट्टा हो, क्योंकि हम एक गुरु की संत की मर्यादाओं को लेके बात कर रहे हैं और डेरे की मर्यादाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए भी आपके सर पे दुपट्टा हो, स्लीवलेस कपड़ा आपका ना हो तो बेटर होगा। भी हम कोश भी बच्चा हो तो एक अलग बात है, गुड़िया होती है 10-12 साल तक की बच्चे होती हैं वो तो अलग बात है, लेकिन बड़े जो हैं वो स्लीवलेस कपड़ों में तो बिल्कुल ना भेजें ये, क्योंकि डेरे में पहले भी ये नियम रखा गया था, बाकी नहीं मानने वाले तो नहीं मानते, पर ऐसे कोई ये भी नहीं है भी हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस है, पर कोशिश कीजिए भी हम एक संत को प्रस्तुत कर रहे हैं, और एक रूहानियत की दुनिया है ये, और एक रिकॉर्ड पे रखी जाने वाली ये चीजें हैं, आपके वीडियोस संभाल के रिकॉर्ड पे रखे भी हैं हमने अलग से भी यादगार के तौर पे, और इवन जो आपने पहले भी एफिडेविट्स भेजे हैं मेमोरेंडम्स भेजे हैं अलग अलग सरकार में, उन सबकी कॉपीज हमने संभाल के अभी भी रखी हैं स्कैन करके सबके कंप्यूटर में, तो आपके ये सारा डाटा रखा है कहीं भी, जितने लोगों ने मिस कॉल की थी हमारे पास उसका पूरा डाटा भी रखा है, लगभग 6500 लोगों ने मिस कॉल की थी तो वो डाटा भी हमने रखा है संभाल के, तो ऐसे हर एक डाटा हम अपनी तरफ से संभाल के रखे हुए हैं। और कोशिश कीजिए भी आपका ये वीडियो ऐसा हो भी जो आप कई साल बाद भी लोग आपके जो बच्चे होंगे या परिवार जन देखें तो उनको लगे भी हाँ ये वीडियो उस टाइम बनाया था, तो ये चीज बस ध्यान रखिएगा। खैर हम उम्मीद करते हैं प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी सामने आए, और जब आए तो स्पष्ट रूप से आए, और जो भी झूठे लोग हैं उनका भी जो सच है वो सामने आए, और दुनिया इनके झूठ से जो नुकसान उठा रही है वो नुकसान ना हो तो बेहतर है। तो इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श, सबको सुमति दे,
किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सत्संग जी, जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको ये बता दें कि एक इतिहास में ऐसे एक गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, उनके छोटे जो बच्चे साहिबजादे हैं उनके पक्ष में जिन्होंने आवाज उठाई थी या बोला था, उनको भी वरदान दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो आप कोशिश करें भी आपके घर के सभी लोग ये बात बोलें, क्योंकि एक रिकॉर्ड रह जाता है। जब हजूर पिताजी ने जो आमरण अनशन हुआ था ना, उस समय जिन लोगों ने जो अनशन पे बैठे थे उनको तो वचन बोध किए ही थे, लेकिन जो जिन्होंने सिर्फ नाम भी लिखवाया था ना अनशन पे बैठने के लिए, उनके लिए भी पिताजी ने बहुत सारे वचन किए थे। सिर्फ नाम ही लिखवाया था और नौबत नहीं आई थी बैठने, उनके लिए भी बहुत वचन किए थे। तो आप कोशिश कीजिए भी ज्यादा से ज्यादा लोग हों। हालांकि टाइम लगेगा आपके वीडियोस पोस्ट होने में, कोशिश ज्यादा वीडियोस आएंगे तो हम आधे आधे घंटे में भी 10-10 मिनट में भी पोस्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे पास कोई इंटरनेट की कमी नहीं है, पर आप कोशिश कीजिए कि ये रिकॉर्ड आपका बने और ये रिकॉर्ड हमारे पास भी रहे। और सब तरह से, मतलब आप बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, भी आप बुजुर्गों को, तो खास जो बुजुर्ग हैं आपके घर के उनके लिए, उनका तो खास तौर पर रखें, क्योंकि बड़ी उम्र होती है भी, उनकी तो यादगार रहे रहे। तो ये ऐसी चीज है जो इतिहास कभी बनेगा, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हजूर पिताजी के सच को, वो चलो उनकी सोचना तरीका अलग है, जिन्होंने देखा है, जिनको महसूस किया है, वो तो जानते हैं, उनको पता है। आने वाले समय में दुनिया मानेगी, तब की तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो लोग जानते हैं, क्योंकि दुनिया ये चीज भी जानेगी कितने लोगों ने ये चीज सामने लाई और कितने लोग अपने गुरु की परख करना जानते थे। और ये बात हजूर पिताजी ने वचनों में भी कही थी कि जैसी संगत हमें मिली है वैसी संगत मतलब इतिहास में किसी गुरु को नहीं मिली। अगर गुरु ने परीक्षा ली और इस हद तक ली, तो इतने सारे शिष्य गुरु की परीक्षा में एक मतलब सफल नहीं हुए, बहुत रेयर एक या दो शिष्य ही बचते थे लास्ट तक। तो अगर गुरु ने परीक्षा ली और इतने लोग जान पा रहे हैं तो सोचिए बहुत बड़ी बात है। तो खैर, ट्विटर पे आप कह रहे हैं तो ट्विटर पे भी आप ये डाल सकते हैं अपने, जिनके वीडियोस फेसबुक पे हमने पोस्ट कर दी हैं वो वीडियोस आप ट्विटर पे भी डाल सकते हैं। उसमें हैशटैग लगा सकते हैं रॉन्ग नंबर के नाम से, रॉन्ग नंबर हैशटैग लगा सकते हैं। ट्विटर पे आप अपने प्रोफाइल से डाल दीजिए, क्योंकि ट्विटर पे हमारी टीम उतनी एक्टिव नहीं है, फेसबुक पे ही एक्टिव है, एक्स जिसे कह देते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम उतने एक्टिव नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं अपनी तरफ से। अपना तरफ से भी आप रिकॉर्ड रखिए, हमारी तरफ से भी रिकॉर्ड रहेगा, और कॉन्फिडेंस के साथ रखिए, मजबूती के साथ रखिए, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और ये रह गई है, अगर जिस भी व्यक्ति का वीडियो हम डाल रहे हैं या वो खुद डाल रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति को किसी भी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी व्यक्ति जिम्मेवार डेरे से परेशान करता है, तो इस बात को आप छुपा के मत रखिएगा, तुरंत बताइएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। और ये आपको बता दें, क्योंकि आप, मैं भी कुछ लोगों के संपर्क में हूँ जो सरकारी तौर पे भी, और कुछ हद तक जितना हम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो फेक जनरेट की जाती हैं, क्योंकि एक थ्योरी मेरे पास भी प्लांट की हुई है, कितनी सच्ची है पता नहीं, उस थ्योरी के मुताबिक भी पिताजी किसी विदेश में हैं या किसी स्पेशल ऑपरेशन में है, इस देश की सेवा में, कोई सिक्योरिटी में, मतलब ये कहानी भी एक प्लांट की हुई है। अभी कितनी सच्ची है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है अभी सच्ची नहीं है, पर जिस तरह से जिस लेवल के अफसरों ने ये कहानी मेरे को सुनाई है, और उनके हिसाब से अगर वो आपके सामने मैं बिठा दूं तो आपको लगेगा अभी सच्ची बोल रहे हैं। हैशटैग होगा जी रॉन्ग नंबर, WRONG नंबर, NUMBER, तो ये लगा सकते हो रॉन्ग नंबर। और भी कोई लगता है आपको नकली या डीप फेक हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप फेक लगा सकते हो, तो ये कर सकते हो आप। ट्विटर पे भी अपना रिकॉर्ड रख सकते हो और इस पे फेसबुक पे तो आ ही जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति आपको डराए धमकाए, जिनका वीडियो है डल गया है या डाला गया है किसी भी रूप में, चाहे थोड़ा ही कोई कुछ भी बोले आपको, घर पे आए, फोन पे, कैसे भी, आप तुरंत उसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि ये चीज सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, किसी भी तरह से ये चीज चलाई जा सकती है। तो उसका एक लीगल सिक्योर करना इन चीजों को जरूरी है, ये सिर्फ आपके बोलने तक काम खत्म नहीं होता, क्योंकि जब इतने सारा सब कुछ चल रहा है तो फिर आगे भी बहुत कुछ हो सकता है।
कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी टाइम आप बताइएगा। नंबर आपके पास है ही है, रवि नड्डा जी का है, बैनवीरपाल कौर का जिनके पास है, विक्रम जी का है, मेरा नंबर है, किसी का नंबर ना हो तो इस फेसबुक के मैसेंजर पे आप बोल सकते हैं कि मेरा ये वीडियो डला है और इस वीडियो के बाद मुझे ये व्यक्ति संपर्क कर रहा है और ये व्यक्ति मुझे ये करने को बोल रहा है, कोई वीडियो डिलीट करने को बोले, कोई कुछ भी बोले, आप उसकी तुरंत जानकारी हमें जरूर दें। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।